अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक, जिसके लिए हमें चाहिए होगी शुगर। मैंने ली है 1 1/4 कप, और उसके साथ ही मैदा लिया है मैंने 2 कप, हाफ कप मैंने कोको पाउडर लिया है, 2 कप मैंने लूक वार्म दूध लिया है, और 3/4 कप मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। उसी के साथ ही 1 1/2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, जिससे मैं बटर मिल्क बनाऊंगी। उसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए हम रेडी कर बटर मिल्क बनाएंगे। सबसे पहले जिसके लिए हमें चाहिए होगा विनेगर, और विनेगर को हम 2 कप्स मिल्क के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और हमारा जो बटर मिल्क है वो फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बनाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेनर लेंगे, उस पर हम मैदा डालेंगे, 2 कप्स मैदा डालेंगे, हाफ कप जो हमने कोको पाउडर लिया था वो लेंगे, और सॉल्ट लेंगे जो हमने लिया था, उसके साथ ही बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इसको सीव कर लेंगे, और जो लम्ब्स बाकी रह गए हैं उसको हम स्पून की मदद से ब्रेक कर लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब हम शुगर डालेंगे अपने इस मिक्सचर के अंदर जो हमने ली थी, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें अब शुगर ऐड करेंगे। 1 1/4 कप जो हमने शुगर ली थी उसको ऐड कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो, उसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। इसको एक साइड पे रख देंगे। टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैंने ली है कॉफ़ी, जो मैंने 1/2 टीस्पून ली है, और 1 टेबल स्पून वाटर के अंदर मिक्स कर ली है। इसमें से हम 1 टीस्पून जो है यूज़ करेंगे, या आपको जितना यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो अब हम जो है केक मोल्ड को या केक टिन को जो ग्रीस करेंगे, तो उसके लिए हमें बटर या ऑयल चाहिए होगा, जिससे हम ग्रीस कर लेंगे, और पार्चमेंट पेपर रखेंगे और फिर से ग्रीस कर लेंगे। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स जो है उनको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बटर मिल्क है वो फॉर्म हो गया, आप देख सकते हैं कर्ड जैसी आ गई है हमारे जो दूध में है। तो जो हमारा बटर मिल्क है वो रेडी हो गया है। इसी के अंदर हम डालेंगे जो हमने वेजिटेबल ऑयल लिया था, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मिक्स कर लेंगे, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने वेनिला का एसेंस लिया था 1 टीस्पून, और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने कॉफ़ी ली थी, 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चॉकलेट केक में, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। इससे जो हमारा केक है वो काफ़ी टेस्टी बनता है, और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, और ये चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत इन्हांस करता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड करे थे, मिक्स करे थे। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उसको, और अपना बैटर जो है वो रेडी कर लेंगे। तो इसको 2 पोर्शंस में हम ऐड करेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। तो जो हमारा बैटर है हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साइड से भी हम हटा लेंगे, उसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हम 2 टेबल स्पून फ्लावर लेंगे, और उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो हमारा केक है वो जले नहीं, और जो एक्सेस जो है फ्लावर उसको हम निकाल लेंगे, और इसके अंदर हम अपना जो केक का बैटर है वो डालेंगे। सारा केक का बैटर डालने के बाद अब हम जो हमारा केक टिन है उसको 3 टाइम्स जो है टैप करेंगे। टैप करने से इसके अंदर जो है एयर बबल्स जो है वो निकल जाते हैं। तो हम इसे बेक करेंगे।
ओवन जो है हमारा 20 मिनट से प्री हीटेड था। अब हम अपने केक को 180 डिग्री पर 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, या तब तक बेक करेंगे जब तक ये रेडी नहीं होता। तो 50 मिनट्स बाद हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। अब अपने ओवन के मुताबिक इसको बेक करिएगा। केक के सेंटर में आप टूथपिक इंसर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे कूलिंग रैक पर रखेंगे ठंडा करने के लिए, और इसका बेकिंग पेपर मैं हटाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। तो अब हम इसे कूलिंग रैक पर 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे बाद हमारा जो केक है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है और ये कितना परफेक्ट बना है। तो तैयार है हमारा मज़ेदार एगलेस चॉकलेट केक। आप इसको अपनी डिज़ायर्ड बटर क्रीम या व्हिपिंग क्रीम के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।